नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटों के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक बहुत बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में आने वाला है। यह तूफान आपके पूरे परिवार को लिए उड़ेगा खुशियों की हवाओं में। दोस्तों, अगले 24 घंटों में तीन बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, परंतु हो जाइए सावधान, क्योंकि दो बड़े झटके भी लगने वाले हैं। इसलिए आने वाले 24 घंटों में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने यह काम कर लिए गए तो अगले 24 घंटों में आपके ऊपर बहुत बड़ा दोस्तों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, इन गलतियों को मत गिनना जो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल आप लोगों को हमेशा से सटीक राशि भविष्य देता आया है। पिछले एक सालों से मैं दिन रात मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे। केवल और केवल आप वीडियो को लाइक कर दे, आपका एक छोटा साल हमें रोजाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। एक के बाद एक सभी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा का और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बजरंगबली का सच्चा भक्त है, आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लाइक करे और नीचे कमेंट बॉक्स में मैं जिस भी व्यक्ति ने जय बजरंगबली लिख दिया गया, अगले 24 घंटों में मैं उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। तो जाइए और अभी के अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। दोस्तों, इंसान को भविष्य के लिए हमेशा अपने धन को बचाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना डटकर कर सकते हैं, क्योंकि जब जेब में आपके पैसा होगा, खाते में पैसा होगा, तो आप हर एक मुसीबत का सामना डटकर कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपका जेब खाली हुआ तो आप हर परेशानी के सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए सोच समझकर खर्चा करें हमेशा दोस्तों। आप पिछले से में अंतराल से बहुत परेशान थे और आप पिछले समय अंतराल में बहुत मेहनत भी किए थे अपने कार्य के प्रति। जी हाँ दोस्तों, और आप दोस्तों ईश्वर के मामले में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं, यानी कि भक्ति भाव आपके अंदर बहुत है, पूजा पाठ दिया बहुत करते हैं, भगवान को भी आप बहुत मानते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कभी ना कभी समस्याएं आती रहती हैं। हर एक रोज नए नए समस्या आपको परेशान करती है, क्योंकि दोस्तों तो आपका जो मन है वह स्थिर नहीं रहता है। आपका मन का भी अच्छा कार्य को करने के लिए व्याकुल होती है, तो कभी आपका मन बुरा कार्य को करने के लिए व्याकुल होती है, जिसके कारण दोस्तों आपको देवी देवताओं का अच्छी तरह से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। और आप जिस चीज का इंतजार करते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, वह आपसे दूर हो जाता है और आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर हमने अपनी लाइफ में आखिर कौन सी ऐसी गलतियां कर डाली हैं जिनकी वजह से हमारे सपने सच नहीं हो पा रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहना ना कहीं गलती आपका भी जरूर निकलेगा। लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि हर एक क्षेत्र में आप भक्ति भाव से अपने कार्य को करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितने भी मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन दोस्तों आपने कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है, बस दोस्तों आप इसी तरह से अपने कार्य को करते रहे, भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। दोस्तों, आप जिस भी चीज के लिए तड़प रहे थे वह सारी अब आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ गई है, इसलिए आप यह देवी माँ पर विश्वास करके अपने कामों पर मन लगा कर रहे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि अब वक्त आ चुका है जब यह शक्तिशाली देवी माँ का दिव्य शक्ति आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, माता कालिका तथा
महाबली हनुमान जी से आप पिछले समय बहुत ज्यादा निवेदन कर रहे थे। दोस्तों, जब आप मुश्किल की घड़ी में थे, जब आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, दोस्तों आप भगवान से कह रहे थे कि है महाबली हनुमान जी, है काली, आखिर कब हमारे जीवन काल के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे, आखिर कब हमारे जीवन काल के हमारे हक के जो भी फल है हमें वह कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने वह मुश्किल प्रस्तुति में हनुमान जी के सामने सब कुछ बताए हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आपके साथ एक दिव्य शक्ति जुट गई है और आपके साथ हमेशा घूमती है। इसलिए मित्र, और अब आप चिंता ना करें और रोना होना बंद कर देगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत को बदले कि यह एक शक्तिशाली देवी माँ, तो इसमें आकर आपको क्या करना है कि गलतियों को नहीं दोहरा नहीं है, क्या करे जिससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। था आप इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, जाएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले ले जो भी माता कालिका तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करे और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाए माँ काली जाए, संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिखें। आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके पास अत्यधिक धन आ जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिए। और इसी के साथ, अगर आप इस YouTube फॉर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए ऑफिस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के ही जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, इनसे आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा रहेगा। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा अपने स्वभाव में सहजता और धैर्य बनाए रखे। कभी कभी अति आत्मविश्वास में आने से आपके लिए नुकसानदायक स्थिति भी बन जाती है। फिजूल खर्ची से परहेज करे तथा बजट का ध्यान रखे। पारिवारिक दायित्वों पर भी ध्यान दे और हाँ, बिजनेस में काम करने के तरीकों में सुधार लाने का मौका मिलेगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखे कि कार्यस्थल के ही किसी कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की भी आशंका है। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखकर कार्यक्षेत्र में ही अपनी उपस्थिति रखें तथा परिवारजनों के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में उचित समय व्यतीत होगा तथा आपको संयम बनाए रखना होगा। किसी के लिए गुस्सा ना रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। लोगों की अपेक्षाओं को किस हद तक महत्व देना है यह बात समझ आएगी। अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तभी कार्यक्षमता बढ़ेगी। और हाँ, आज दिन शुभ है, आप सकारात्मक सोच रखेंगे, आप लोगों को प्रभावित करेंगे। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो विस्तार योजनाओं को लागू करने के लिए अच्छा समय है। आर्थिक लाभ होगा और आप भौतिक वस्तुओं पर भी खर्च करेंगे तथा दिन भर मनचाहे कामों में व्यस्तता रहेगी। जरूरतमंद और बुजुर्गों की सेवा और देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। किसी विवाह योग्य सदस्य का रिश्ता तय होने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। लिंग आदि की भी प्लानिंग से बनेगी तथा आज आपको अपने व्यक्तिगत कार्य में बहुत अधिक व्यस्त रखें। किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में उलझने से माहौल नकारात्मक हो सकता है, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दोस्त, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक पर यह होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधक हैं, आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्युलोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता रहा था, हमारी आत्मा नहीं देती थी, फिर भी करने पड़ते हैं। कई प्रकार के दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाता है
तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है, आपकी आत्मा को चोट नहीं लगती है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोक देता है। फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि उस गलती का प्रायश्चित अवश्य हो जाता है। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। कुछ न कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर प्लास्टिक की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी अच्छाई है, यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले 3 दिनों में आपको अपने व्यवहार की सख्ती दिखानी है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका आपके ही किसी नजदीकी से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपके पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और अपने मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की बहस में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई आपका अपना ही आपसे जबरदस्ती बहस में कीजिएगा विवाद में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहाँ पर अपने बौद्धिक वालों का प्रदर्शन करना है और आपको जितना हो सके ना संतुलित व्यवहार करना है और समय रहते स्थान को छोड़ देना है। तो उस दो आपका झगड़ा हो जाएगा, आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय यानी आने वाले 3 से 5 दिनों तक आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आधारशिला रखने के लिए यह समय उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही है जिससे आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आप अच्छे अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके नतीजे खराब है। लेकर यहाँ दोस्तों, कई बार पहले भी आपके साथ यह हो चुका है कि आपने बहुत मेहनत से किसी बड़े कार्य की शुरुआत की और आपको असफलता हाथ लगी, लोगों के लांछन को सहने पड़े। अब यह आपको नहीं दोहराना है। तो आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपको डालना है, उसके बाद ही आप शुरुआत करें यह दोस्तों। और जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें तो जीवन में यानी कि हर दिन एक राहुकाल होता है जो 1.5 घंटे का होता है। अलग अलग समय पर राहुकाल हर दिन होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में उसकी सारिणी आपको दी थी। यदि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपके पास वह लिस्ट अवश्य होगी। तो आपको राहुकाल को अवश्य ही डालना है दोस्तों, चाहे कितना ही शुभ मुहूर्त क्यों ना हो। पंडित जी आपसे कह दे कि यह दिन बहुत ही शुभ है, आप इस कार्य को नोट कर डाली है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन राहुकाल को डाल देना। अब आपको पंडित जी की बात को मानना आवश्यक है, यह बात सही है, लेकिन पंडित जी कोई झोंक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो हो सकता है कि वह इस बात का ध्यान न दे और आप हो राहु काल में ही कोई कार्य करवा देगा, तो जो आपने कार्य किया वह कार्य अनिष्ट फल लेकर ही आएगा। या दोस्तों, इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी कोई इंसान किसी व्यापार की शुरुआत करता है तो वह पूजन हवन अवश्य करवाता है, बहुत आवश्यक करवाता है, फिर भी व्यापार दूर क्यों जाता है। शादी विवाह में भी संपूर्ण रीति रिवाज के साथ सारी प्रक्रियाओं को किया जाता है, फिर भी शादी संबंध अच्छे क्यों नहीं चलते हैं, कुछ संबंध टूट भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लोग दिन की मुहूर्त का नहीं रखते हैं, एक निश्चित मुहूर्त तो तय कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में कितनी बार समय परिवर्तन होता है और कौन सा समय अच्छा है और कौन सा बुरा है इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा रखना चाहिए, अन्यथा कभी जीवन में बुरा होगा ही नहीं। यह दोस्तों आपको राहुकाल डालना है और कुछ दिनों के बाद हम किसी बड़े कार्य की शुरुआत करनी है। एक और बड़ी बात दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अगले 3 दिनों में जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो गए, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। तो आप ऐसा होने नहीं देंगे, जब आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस होने लगेगा तो आप आध्यात्मिकता की ओर जाया गया, ईश्वर का नाम ले ले भजन करे, प्रभु नाम ले मंदिर जाया गया, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा।
दोस्त और अपने मित्र कहते पूर्वजों से अपनी मदद की गुहार लगाएं या दोस्तों आपके मित्र पूर्वज हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। दोस्तों इतनी गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर बहुत अधिक ध्यान दें, अपने रिश्ते नातों का ध्यान अवश्य लें, लेकिन इतना भी नहीं लेंगे कि अब आप जरा सी ऊंच नीच को भी अपने दिल से लगा लें। किसी के द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात अपने दिल से लगा लेते हैं और उसके बाद फिर दुखी रहते हैं, फिर आपका आपके काम में ही मन नहीं लगा है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, तो थोड़ा सा आपको अपने मन को मजबूत करना है। आपको बता दे कि आपको आने वाले 3 दिनों में धैर्य से काम लेना है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें कि आप अधीरता दिखाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो जितना हो सके उतना धैर्य के साथ आगे बढ़े और विचारशील बनेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को समझने से पहले आपको विचार करने की आवश्यकता है। एक झटके में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ऐसे निर्णय आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसी से जुड़े हम आपको कुछ उपाय बता दें कि आपके जीवन में आने वाले 3 दिनों में कुछ कठिन समय आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इस कठिन समय में आपको किस प्रकार से काम लेना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी आप घर से बाहर निकले तो कुछ मीठा अवश्य खा कर निकले। अगर हो सके तो दही शक्कर अवश्य ही खा कर निकले, और यदि नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा कुछ मीठा अवश्य ही खा कर निकले। दोस्तों के साथ ही साथ अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा भी रख कर निकले, यह बहुत आवश्यक है। और जब आप घर में प्रवेश करेंगे यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद जब आप अपने घर में वापस आ रहे हैं तो आपको भेज लोगों का जोड़ा अपनी पीठ के पीछे बाहर फेंक देना है और मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर में प्रवेश कर जाना है। यह एक साधारण सा उपाय है, इसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम है। यह दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए हमेशा हम सर्वोत्तम उपाय यह है कि आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में जो व्याधियों उत्पन्न हो रही है, जो समस्याएं और लक्षण उत्पन्न हो रही है, इस समाप्त होने लगेगा। दोस्तों के लिए बहुत आवश्यक है, घर से जब भी आप बाहर निकले एक लाल रंग का टीका रहा है जो हनुमान जी का सूचक है, अभी आप घर से लगाकर ही निकले। और बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास भी अवश्य ही खिलाया जाए, क्योंकि यह बोध को समर्पित है और गणपति को भी समर्पित है। दोस्तों दोनों ही स्थितियों में यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। व्यापार का ग्रह है, आमदनी का ग्रह है, यदि आप यह कार्य करेंगे तो आपका व्यापार और आपकी आमदनी में तरक्की होगी। अब जाते जाते आपको हम एक आखिरी बात और बता दें कि आप अपने जीवन में यदि खुशहाली चाहते हैं, सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, निर्भय जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको 2 कार्य तो निश्चित तौर पर रोज करनी ही चाहिए। पहला, लाला अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाना। हम अपने हर वीडियो में लगभग यही कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आसपास का माहौल हम देख रहे हैं उसके अनुसार हर इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वे त्रिदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण यह है कि जो जीवन में बेचैनियां हैं, रिश्तों में असंतोष है, परेशानियां हैं और ऐसे रुपए को लेकर खींचतान है, यह सब पितृदोष का प्रमाण है। घर के बच्चे बड़ों की बात सुनते नहीं है, घर में लक्ष्मी आती नहीं है। अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। तो या में आपके ग्रह गोचर फरवरी स्थिति में है, महिला वर्ग को अपनी योग्यता और कार्यक्षमता द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हो सकती है।
इसे दोस्तों तो पूरा मन लगाकर अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहे रहे बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से या में खुशी प्रदान होगी। इसके बाद या में सावधानी की अगर बात करे तो दोस्तों अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने अपने अधिक बखान न करे जलन की भावना से कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक विचार भी रखे करते हैं, तो दोस्तों अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना ना शांति से आपको काम लेना चाहिए। आइए, किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है रहा है, इसलिए दोस्तों में अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखे कि यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों में यात्रा से जुड़ी योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव आ सकते हैं। रही है यात्रा करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय जो है योग में होगा, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। वे इस समय आपके लिए महंगे। दोस्तों आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से भी पूरा करेंगे। दोस्तों उस तो अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने से व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। काफी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी आपको मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है रहा है, जिसकी वजह से टेंशन रहेगा, परंतु दोस्तों यह समय धैर्य और संयम से ही आपको काम लेना चाहिए। यह आपके लिए उचित होंगे। दोस्त वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने के पेपर वर्क को ध्यान से आप चक्कर लगा में, यह आपके लिए बेहतर होगी। इसके उपरांत दोस्तों मैं आपके लिए समय हमें आपकी दिनचर्या के लिए समय हमारे दोस्तों आप जरूरत से अधिक भावुक महसूस करेंगे, जिसका असर आपके निर्णय क्षमता पर भी हो सकता है। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें, या आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होगी। इस उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए आपके कैरियर के लिए समय होंगे। अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों तुरंत उन्हें अमल करे तो यह शुभ परिस्थितियां लाभदायक है। शांति धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। मैं दोस्तों कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक आएगा। इसके उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए होगी व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल रहेंगे तथा निकट भविष्य में भी इनके उचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों या में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक शब्द होगा। इसके उपरांत यह समय आपके और आपके चेहरे के लिए समय होंगे। दोस्त तो कामकाज का अत्यधिक बोझ रहेगा, परंतु अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएंगे, तो कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या का हुआ आपका काम या में बन सकता है रहा है, अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है रहा है। दूसरों में व्यापार के लिए जो ठोस निर्णय है आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करे तो दूसरे यश में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।